नामी पुलिस अफसर अभय प्रताप सिंह को बुलाया। लोगों का कहना है किसी जंगली जानवर का काम है। दोनों खून करने के बाद आर्ट या इंफिनिटी का साइन बनाता है, जैसे कि अपना ठप्पा अपना कोई साइन छोड़ रहा हो, लेकिन ये इंफिनिटी का ही साइन क्यों? सर ये खूनी मानसिक रोगी, ना सजा का डर है और ना ही मौत का, हो सकता है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो जो भी अटैक प्लान है आज ही होगा, आज ही रात को तो पहुंचना होगा सर, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। मानने वाला कुणाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक जो सीजन 1, सीजन 2 और अब सीजन 3 के लिए, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड 8 अप्रैल को जो आपका ये सीजन 3 आ रहा है। बहुत मुश्किल से इंतज़ार की घड़ियां कट रही हैं। कुणाल जी, किस तरीके से ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जानती है कि यू आर अ स्टार, यू आर ए क्यूट स्माइलिंग स्टार, आपकी स्माइल के ऊपर सारे के सारे मरते हैं और आपकी स्माइल बहुत ही क्यूट है, लेकिन अब जो अभय 3 में आप ये रोल अदा कर रहे हैं, सीरियस वॉयलेंस, ये क्या, थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में बताएं और आपको करने में क्या मुश्किल आ रही है, क्योंकि एक क्यूट स्माइल वाला हमारा बॉलीवुड स्टार और अभी बहुत सीरियस सीरियस सी वॉयलेंस एक्टिंग ड्रामा कितना कुछ आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ प्लीज बताइए। तो आई थिंक मैं वही, पहले तो थैंक यू फॉर दैट वार्म इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि स्माइल अच्छी लगती है, तो अब एक ऐसा किरदार है जो पूरे सीजन में शायद एक या दो बार मैक्सिमम 8 एपिसोड में स्माइल करता होगा, तो लेकिन वो मुझसे इतना अलग है और इसीलिए मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा अभय का किरदार और फिर ये शो, कि उसे निभाने में और भी मजा आया, क्योंकि आई हैड टू फॉर्म अ न्यू कैरेक्टर ऑल टुगेदर, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुणाल जैसा नहीं है और इसीलिए मुझे और भी पसंद आता है। और बहुत खुशी है कि एक ऐसा किरदार निभाने के बाद जब उसे इतना प्यार मिलता है कि उसे दोबारा वो शो बनाने का मौका मिलता है सीजन 2 में, और उसके बाद आज हम सीजन 3 की बात कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ अब इस सीजन को लेकर और चाहता हूँ कि जितनी भी एक्सपेक्टेशन लेके लोग आ रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन में मैं खुद एज एन एक्टर और मेरा शो अब है सीजन 3 दोनों खड़े उतरे। कुणाल जी, आप बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं, बचपन से आपने अपनी एक्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट किरदारों को बहुत ही खूबी से निभाया एंड सारे के सारे एक टाइम पे पूरे इंडिया में तहलका था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड ये जानना चाहेंगे कि आपके फादर ने या आपके रिलेट मोतीलाल जी, आपके दादाजी ने एक्टिंग आपको एक्टिंग के टिप्स दिए या एक्टिंग सिखाई, या किस तरीके से आप किन से इंस्पायर हुए? मैंने एक्चुअली, दादाजी ने कभी ना ऐसे टिप्स देने में वो विश्वास नहीं रखते थे शायद, वो हमेशा तारीफ करते थे और हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाते थे और कॉन्फिडेंस देते थे कि तुम्हें जो सही लगता है उस पर भरोसा करो और उससे दिल लगा के काम करो, फल की चिंता मत करो, बस मेहनत करो। एंड आई लव दैट अबाउट हिम, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा अपनी जिंदगी में फल की करते हुए जिसमें वो भरोसा करते थे वो किया। पद्मश्री अवार्ड विनर है थे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम अ कपल ऑफ इयर्स अगो, और उनके लिखे हुए प्लेज आज भी ट्रांसलेट होते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो ही डिड सो मच एज अ राइटर एंड अ प्ले राइट। और मेरे पिताजी वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी और फिर वो टीचर भी रहे थे एक्टिंग के, लेकिन उन्होंने भी मुझे जब मैं छोटा था, जब चाइल्ड एक्टर बतौर काम करता था, कभी ये नहीं बताया कि क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि ये क्या कैसे नहीं करना चाहिए। तो वहां से मेरी सीख रही एंड आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स फॉर यू नो सपोर्टिंग मी एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, और अगर वो नहीं होते तो मैं पहले तो इस दुनिया में नहीं होता, और अगर उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। क्या बात है कुणाल जी। कुणाल जी, जिस तरीके से अभी अभय 3 का करेक्टर है काफ़ी सीरियस करेक्टर है, शायद आपको हंसने के लिए बहुत कम मिला, क्या आपको फीलिंग थी, क्या आपको लगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जिससे हम एक्टिंग कर रहे हैं, हमें तो फील हो रहा है लेकिन आप क्या फील कर रहे हैं उसको? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उस किरदार की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी एक वेशभूषा है, और जब वो वहां रहता है तो बिटवीन एक्शन एंड कट तो डेफिनेटली, और आई थिंक मुझे इसीलिए बहुत मजा आता है अभय का किरदार प्ले करने में, क्योंकि वो इतना अलग है बाकी किरदारों से भी जो मैंने आज तक किए हैं। तो हाँ, जब उसके ऑफिस में चलते हैं या क्राइम सीन पे जाता है, जिस तरह वो होता है, उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है, तो उस मोमेंट में एक्शन और कट के बीच में वो बिल्कुल वो पुलिस वाला है।
तो कुणाल जी, सीजन वन और सीजन टू के बीच में तो मेरे ख्याल से आपको हंसने का मौका कहीं नहीं मिला, तो क्या सीजन थ्री के बीच में कहीं देखा जाएगा हमारा क्यूट स्माइलिंग स्टार हंसता हुआ कहीं पे? कोशिश यही थी कि इसके बगैर भी क्या मैं एक छाप छोड़ पाऊंगा या एक एक पहचान बना पाऊंगा, तो खुशी है कि वो मौका मिला, लेकिन सिर्फ वो रीजन नहीं था। उसका किरदार और उसकी दुनिया और उसकी जिंदगी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरती है जो आपने सीजन देखे हैं, कि उसको ज्यादा वजह नहीं है बेचारे के पास ऐसे कोई खुश होने की या स्माइल करने की। जो थोड़ी बहुत है वो उसके बेटे से आती है, तो वही झलकी एकाध आपको अगर सीजन थ्री में भी देखने मिलेगी तो वो तब होगी जब उसका बेटा उसके आसपास होता है। वरना तो उसकी जिंदगी और जिस जगह पर वो इस वक्त अब सीजन थ्री में है, हंसने की वैसे उसको कोई वजह नहीं मिलती पूरे सीजन में। तो किस तरीके से आपकी कितनी सारी मूवीज आई, गोल, गोवा, गॉन, ढोल, सो किस तरीके से आप हमेशा ही सेम लुक में काफी देर से देखे जा रहे हो, तो स्पेशली आपकी फिटनेस का क्या राज है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई राज है। फिटनेस आई थिंक एक लाइफस्टाइल है जो मैं एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना हो सकता है उतना अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। खाने पीने को लेकर थोड़ा डिसिप्लिन कम है, तो वो डिसिप्लिन फिर थोड़ा वर्कआउट्स बढ़ाकर कर देता हूँ, और जनरली हेल्दी लाइफस्टाइल ही रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नाइट वाला इंसान हूँ नहीं। मुझे 10:30 नींद आ जाती है और मैं सुबह 6:30-7 तक उठ जाता हूँ जनरली भी लाइफ में, अनलेस कहीं जाना हो या कोई ऐसा कुछ इवेंट टाइप हो। तो आई थिंक यही चीज़ है, नॉर्मली है, और बाकी ऐसा कुछ स्पेशल प्रोसीजर नहीं है जो मैं फॉलो करता। कुणाल जी, जो आज की जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, आज के आर्टिस्ट हैं, आज की जनरेशन है जो इस लाइन में आना चाहती है, काम करना चाहती है, कुछ आप उनको टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी जर्नी होती है और हर एक इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, और स्ट्रगल्स हर किसी के जिंदगी में होते हैं। और अगर इस स्पेसिफिक लाइन की बात करें तो कई लोगों को इस फील्ड की या इस इंडस्ट्री की सिर्फ चमक दिखती है, लेकिन उस चमक के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक मायूसी होती है, कई बार एक पूरी जर्नी होती है, जो आई एम श्योर हर एक इंडस्ट्री में है, हर एक प्रोफेशन में होती है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिर्फ अच्छी चीजें देखकर आप किसी चीज के पीछे चल पड़ते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंटली मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सपने देखने चाहिए और आपके सपने साकार होंगे, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिकल माइंड के साथ भी सोचना पड़ता है। डिल्यूजन की दुनिया में अगर आप जिएंगे तो आप सिर्फ उसी दुनिया में रह जाएंगे और फिर जिंदगी आगे चली जाएगी और आप पीछे खड़े रह जाएंगे, तो मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि सपने देखें, उन्हें साकार करने की क्षमता आप रखते हैं, हर कोई रखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत से ना घबराएं। और कई लोग क्या होता है ना कि वो उस चक्कर में फंस जाते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, तो मैं कहा इसका क्या मतलब होता है बहुत मेहनत की? ये कौन डिफाइन करता है कि कितनी मेहनत बहुत मेहनत है? क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला, जब आपको रिजल्ट मिल जाए और आप कहीं पहुंच जाए तब आप पीछे देख के कह सकते हैं यार मैंने बहुत मेहनत की थी अपने हिसाब से। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे 10 गुना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इतना फल नहीं मिला, क्योंकि फल और मेहनत का कोई ऐसा इक्वल रिलेशनशिप है। तो एनीवेज, ना किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट ये कहना चाहता हूँ रियलिस्टिक रहें और बिल्कुल अपने हुनर पे काम करें, अपने आप पे काम करें, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं अपने पे भरोसा कभी नहीं हारें, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है, बाकी पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं। कुणाल जी, कोई ऐसा सीन जो सीजन थ्री के बीच में बिहाइंड द सीन हो, हमेशा कोई ना कोई यादगार रह जाती है, हर मूवी में या हर कहानी में कोई ना कोई ऐसी यादगार जरूर रहती है जौन सी अपने दिल के करीब हो? नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, इसमें भी हुई होंगी, क्योंकि अब क्या एक तो लॉन्ग फॉर्मेट है ना, तो सारी कहानियां ऐसे याद भी नहीं रहती, लेकिन इसके एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए रहे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज एन एक्टर आपको बहुत मौके मिलते हैं अलग अलग जगहों पे जाने के, अलग अलग लोगों से मिलने के, अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने के। तो मुझे भी क्या हुआ कि जब लोग लखनऊ जाते हैं तो सिर्फ लखनऊ लखनऊ शहर तक ही सीमित रह जाते हैं। इस शो के वजह से हमें आसपास के जो गांव हैं या आसपास के जो छोटे शहर हैं वहां पर जाना, वहां पर स्ट्रक्चर्स देखना, जैसे हमने इस सीजन में आप देखेंगे हमने वो महमूदाबाद करके एक जगह है वहां पे शूट किया, तो वहां का एक जो पुरानी हवेली थी जो बहुत पुरानी है और उसकी अपनी हिस्ट्री है, तो वो जानने का मौका मिलता है।
और फिर वहां पर जाके हमने एक अलग सी दुनिया क्रिएट कर दी जो हमारी सीजन 3 की अपनी दुनिया है. यू नो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो ऐसे सुनाने में कोई ऐसे हाईलाइट जैसे नहीं लगे, लेकिन आपकी पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग उस जगह को लेकर, उस एरिया को लेकर जो रहती है, जो लोगों को सुनने में मजा आता है कि भाई जैसे गुलमाल में हम कहते हैं कि हमने क्या मस्ती की या हमने कोई प्रैंक कर लिया. तो इसीलिए आई थिंक अभय के साथ ज्यादातर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंशियल हैं. मैं एक बार फिर से Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. इंडस्टेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और हमें 8 अप्रैल का इंतजार रहेगा. कुणाल जी, आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? अभी तो फिलहाल यही मैसेज है सबके लिए कि 8 अप्रैल को Z5 ग्लोबल पे ये सीजन 3 आने जा रहा है. तो जो इस शो के फैंस हैं, जिन्हें ये शो पसंद है, वो प्लीज आके इसे देखें, और जिन्होंने नहीं देखा है वो सीजन 1 और सीजन 2 अभी देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. और सीजन 3 ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल और तेलुगु में भी प्रीमियर किया एक ही साथ होगा. तो जो ऑडियंसेस उस लैंग्वेज में से देखना चाहें वो देख सकते हैं. कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया, एंड हमें इंतज़ार रहेगा 8 अप्रैल का. एंड दोस्तों, आप याद रखिएगा, अभय 3 आ रही है 8 अप्रैल को, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बना के रखिएगा. मैं आपका अपना वरुण तिवारी इंडसेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे लेके आता रहूँगा आपके लिए खट्टी मीठी मसालेदार कुछ मुलाकातें. नमस्कार. Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.